दीदी देखना सुबह भी डर के उठी और यहाँ भी डरी डरी चल रही. वो राशि भी वहां जीत के साथ बैठी है पिछले 10 मिनट से. कहती है क्लासरूम में नहीं जाएगी. चल बेटे राशि से मिलते हैं. कैसे हैं भाई साहब? बैठ. कैसी है राशि? इस तरह डर डर के कब तक रहोगे? ऐसे कैसे चलेगा? अरे तुम दोनों ने इतनी बहादुरी से वो रात काट ली तो यहां दिन दहाड़े कैसा डर? यहां तो हम सब है ना बेटा. उस हादसे के बाद तो तुम लोगों को और ज्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए, और ज्यादा कॉन्फिडेंट. अब तो तुम लोग हर हालात का सामना कर सकते हैं. अब तो तुम लोगों को सही गलत की भी पहचान हो गई है. अब इस तरह नजरें झुकाकर नहीं, सबसे नजरें मिलाकर चलो. सबकी आंखों में आंखें डालकर कहो कि हमसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बहुत शर्मनाक बात है, जिस तरह मेरे स्कूल का नाम अखबारों में उछाला गया है. कल मुझे पुलिस को रिक्वेस्ट करना पड़ा प्रेस और मीडिया को स्कूल के अंदर घुसने से रोकने के लिए. मुझे आप सब से कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसकी जिम्मेदार आप ही हैं. मन तो मेरा यही कर रहा है कि आपके बच्चों को मैं फौरन इसी वक्त स्कूल से निकाल दूं. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी. इस बार ये मेरी आखिरी वार्निंग होगी. लेट नाइट पार्टीज का क्या मतलब है? और तो और उस पार्टी में एक भी पेरेंट मौजूद नहीं था, जबकि वो पार्टी इतनी सुनसान पिछड़े हुए दूर दराज इलाके में हुई थी. जिन्होंने भी ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, क्या वो अपने पैसे का दिखावा कर रहे थे? Please don't show off at the cost of your children and their innocence. As far as the two girls who got lost, Rashi or Ginny, kya soch kar wo do bacche itni raat gaye us ilake mein akele travel kar rahe the? ये कोई बहादुरी का काम नहीं किया है उन्होंने, बल्कि ये बेवकूफी की हरकत की है. मुझे तो अफसोस उनके माता पिता पर हो रहा है, जिन्हें अपने बच्चों की सेफ्टी तक की परवाह नहीं. अगर वे अपने बच्चों को मैनेज नहीं कर सकते तो उन्हें घर पे रखें. मेरे स्कूल को बदनाम मत करवाइए प्लीज. क्या मैं कुछ कह सकती हूं? रिस्पेक्टेड मैडम, आपने सही बात पर सवाल उठाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ मौजूद सारे पेरेंट्स
इस हादसे को गंभीरता से लेंगे और अपनी सोच को बदलेंगे ताकि जिस तकलीफ से हम गुजरे उससे कभी कोई और ना गुजरे। मैडम जी, मैं मानती हूँ, अपनी गलती को महसूस करती हूँ। हो सकता है मेरी परवरिश में कमी रह गई जिससे आपको शर्म आ रही हो, लेकिन मैडम जी, मैं भी एक बात कहूंगी, जिस तरह आपको कई बातों पर शर्म आ रही है, उसी तरह मुझे भी इस बात पर शर्म आ रही है कि मेरी बेटी एक ऐसे स्कूल में पढ़ती है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने रेपुटेशन की पड़ी है, मेरे बच्चों की नहीं। जो अखबार में सिर्फ ये पढ़ते हैं कि उनके स्कूल का नाम छपा है, ये नहीं पढ़ते कि उस रात उन बच्चों पर क्या बीती। मैडम जी, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अखबार पढ़ने के बाद क्या आपके स्कूल से किसी टीचर ने, किसी स्टाफ ने हमें फोन करके पूछा कि क्या हमारे बच्चे सही सलामत घर पहुंचे या नहीं? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर अखबार में ये आर्टिकल नहीं छपा होता तो आपको कभी पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि स्कूल के बाद आप लोग पता भी नहीं करते कि आपके बच्चे कहाँ जाते हैं और उनके साथ क्या होता है। आपने कह तो दिया कि हमें अपने बच्चों की सेफ्टी की परवाह नहीं, लेकिन आप नहीं जानते कि उस रात हम पर क्या बीती। खैर, हम बहुत आभारी हैं कि आप हमारे बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल रहे। और मैडम जी, मैं आपसे वादा करती हूं कि आज के बाद मेरी वजह से या मेरे बच्चों की वजह से आपके स्कूल का नाम कभी खराब नहीं होगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू। मैम, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं एक परफेक्ट माँ बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, पर बन नहीं पाती। हम सभी कोशिश करते हैं अच्छे माँ बाप बनने की, लेकिन आसान नहीं होता। बच्चों के लिए फैसले करना, अपने आप को फंसावा महसूस करते हैं, उन्हें क्या करने से रोके, क्या नहीं, किस चीज़ की परमिशन दे, किस चीज़ की ना दे, समझ में नहीं आता। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि वो बच्चे हैं इसलिए हमेशा गलत हों। मैम, परवरिश कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2=4 ही हो, उसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं और शायद आगे भी होती रहेगी। वो आपने सच कहा बहन जी, माता पिता की प्रॉब्लम तो ये स्कूल वाले समझते ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम। अरे, बच्चों को कुछ हो जाता है तो माँ बाप पर क्या बीतती है इन्हें क्या पता। माफ कीजिएगा, लेकिन हमने जो कुछ भी कहा वो वाहवाही के लिए नहीं कहा और ना ही स्कूल को दोष देने के लिए। इसमें हमारी गलती है और हमारी गलती ही रहेगी। क्या हमने उस लड़की के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की जिसने ये पार्टी दी थी? क्या हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये पार्टी उनके निगरानी में थी या नहीं? Absolutely. देखिए, जब तक आप और हम इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हम अपने बच्चों को सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज के लिए प्रोत्साहन देंगे जो उनकी उम्र के मुताबिक हो, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। और तब तक हम सिर्फ एक दूसरे को दोष ही देते रह जाएंगे। हमें इसके लिए मिलकर कदम उठाना है और मिलकर कुछ करना है। वेरी वेल सेट।
You're such a spoil spot, Ginny. I tell you, पहले तो मेरी पार्टी की बैंड बजाई, फिर अपनी और स्कूल की, और तेरी सिस्टर की वजह से खामखा कितना सुनना पड़ा हमें। यही है तेरी दोस्ती? देख सैम हमारी। सैम, तू आई थी मेरी दोस्त बनने। तूने मुझे अपने पार्टी में इनवाइट किया था ना? यहाँ तक कि तू मेरे घर पे आई थी, मेरी माँ को मनाने के लिए। मैंने तो झूठ कहा था, लेकिन सबसे बड़ा झूठ तूने मुझसे कहा कि ऑल गर्ल्स पार्टी होने वाली है। फिर तूने बॉयज को क्यों बुलाया? उन्हीं की वजह से मुझे तेरी पार्टी छोड़कर निकलना पड़ा। हमारे साथ जो हुआ वो हमने झेला, तुम्हारी दोस्ती भी मैंने देख ली सैम। मीनाक्षी, तू तो पहले से मेरी दोस्त थी ना, तो फिर तुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि घर पर फोन करके ये पूछे कि मैं घर पर पहुंची या नहीं, किस हाल में हूं? थैंक यू सो मच, जो तुमने मुझे इतना बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं अपने दोस्त सोच समझ कर बनाऊंगी। मुझे रियलाइज हो गया है कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आने वाली हूँ। मैं अपने पेरेंट्स की ही बात मानूंगी, और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कहते हुए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आखिर में मेरे साथ ही होंगे। चाहे कुछ भी हो, जिंदगी का हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाई देता है ना रिति? हाँ बेटा, अगर बच्चे कुछ गलती करें और गलती करने के बाद उन्हें इस बात की समझ हो कि उन्होंने गलती की है और उन्हें अपने माँ बाप पर भरोसा रखना चाहिए, तो इसमें हमारी परवरिश की ही जीत हुई ना, है ना? ऐसे में तो हम दोनों ही विनर्स हुए, हम और हमारे बच्चे, है ना? गिन्नी, राशि, अच्छा ये जरा टाई बांध दो ना प्लीज। माँ, आपने मुझे अभी तक पनिशमेंट नहीं दी। अब तुम बड़े हो गए, अपने सारे काम खुद करते हो, तो अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। क्या हुआ गिन्नी? मामा, मेरा स्कूल जाने का जी नहीं कर रहा। क्यों, किस लिए? डर लग रहा है? किससे? बच्चों से, जिन्हें तुमने ऐसा जवाब दिया कि वो कभी तुमसे नजरें नहीं मिलाएंगे, या टीचरों से, जिन्हें तुम्हारी माँ ने ऐसा जवाब दिया? जब बेटी बाप जैसे हो सकती है तो बाप बेटी जैसे क्यों नहीं सकता भाई? डैड, फिर तो स्टेज ना जंगल में ही लगेगा। अरे नहीं नहीं बाबा, तब तो जंगली जानवर भी जंगल छोड़ के भाग जाएंगे। पुत्र, तू जब मुस्कुराती है ना तो मेरा खून शेर भर भर जाता है। ओ जी, उस बात पे याद आई स्वीटी जी, आज ना मैं भी पराठे खाता हूँ, सिर्फ दो। पराठा नहीं मिलेगा। किन्नी, बोलना माँ को एक पराठा दे दो मुझे। मामा, दे दो ना। अच्छा ठीक है, दे देती हूँ, लेकिन एक नहीं, जितनी बड़ी गिन्नी उतना बड़ा पराठा, यानी आधा। ठीक है जी।
आप तो पराठे भी दे दिए, आप तो जाएगी ना स्कूल? ये हुई ना बात, क्यों गिन्नी? भाई गिन्नी, मुझे लगता है जी तेरा भाई जो है ना कुत्ता है। लेकिन दादी माँ का पोता है, क्या लाइन है? बेटा अगर टेस्ट में मार्क अच्छे नहीं आए ना तो आज तुझे नानी भी याद आएगी। कोई बात नहीं बेटा, दादी बचा लेगी। ओ जी अगर ये बात है तो जल्दी जल्दी खाओ, फिर तुम लोगों को स्कूल छोड़ता हूँ, क्या पता तुम्हारे टीचर लेट आने के लिए भी मार्क्स काट लें। हाँ जी। अच्छा हाँ सुनिए ना। हाँ जी। मैं सोच रही थी कि आज बच्चों को मॉल लेकर जाऊँ, इनके पास स्वेटर नहीं है, पुराने हो गए ना ये, पुराने स्वेटर पहन के घूमते हैं, सोच रही थी नया स्वेटर खरीद दूँ। भाई आपके ख्याल सर आंखों पर। मॉम लव यू। ओए अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए ना तो तेरा मॉल जाना कैंसिल। अरे सिर्फ गिन्नी मेरे साथ जाएगी। अच्छा हाँ सुनिए ना, आज आपको शाम को जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि मेरा ड्राइवर छुट्टी पे गांव गया है ना घर। डोंट वरी जी, पीडी है ना। हाँ ओ पर्सनल ड्राइवर। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसा लग रहा है? एकदम फिट, तबीयत तो ठीक है ना? बहुत अच्छी है, चाहे तो पंजा लड़ा लो। पंजा? मैं लड़ूंगा पंजा, मैं लड़ूंगा पंजा। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, किस तरह किताबों को गिराते हुए आ रहे हो? ये सरस्वती माता होती है, किताबों को विद्या को रिस्पेक्ट करना सीखो। ओके दीदी चलो हम पंजा लड़ाते हैं। नहीं सर मैं हार जाऊं, तू बहुत स्ट्रांग है। ये क्या है? पापा ये नोट है, हमारी टीचर ने दिया था, बोला था हम जो स्कूल में करते वो लिखो। सनी इज अ गुड बॉय, सनी ऑलवेज हंसता है। हंसता है बेटा, ये इंग्लिश में है ना, ऐसे तो इसमें हंसता है। पापा अपनी तारीफ खुद कर रहा था। सनी रोहित को धक्का मारता है, ऑलवेज लाइन में फर्स्ट खड़ा होता है। सनी टीचर के सामने वाली डेस्क पर किसी को बैठने नहीं देता है। बेटा इधर आओ, तुम स्कूल में ये सब करते हो, इस तरह बिहेव करते हो? पापा मैं मर्द हूं ना, मौसा जी ने कहा था मर्द बन, मर्द, और मर्द बहुत पावरफुल होते हैं, और सनी अब एक मर्द है। बेटा पापा भी तो मर्द है ना, पापा ये सब करते हैं। तो अब तुम अपनी किताबें अच्छी तरह से बैग में रख दो। पिंकी तुमने इसे देखा, पढ़ा इसे? हाँ वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप परेशान होंगे, शीत हमें सनी की एनर्जीज को चैनलाइज करना पड़ेगा, उसे कराटे क्लासेस ज्वाइन करवा ही देते हैं। हाँ आप जल्दी से नहा लीजिए, आपका इंटरव्यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.